क्या आपके स्तन लटक गए हैं या ढीले पड़ गए हैं, या आपके स्तन जो है वो अनडेवलप्ड हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप कपड़े पहनती हैं तो वो पहने हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छी फिटिंग नहीं आती है, और मोस्ट स्पेशली आपके जो मेल पार्टनर है वो आपकी इस वजह से, क्योंकि आपकी स्तन जो है, आपकी ब्रेस्ट जो है वो अनडेवलप्ड है या लटके हुए हैं, उसकी वजह से वो आपको पसंद नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं, तो मैं आपको आज गजब का ऐसा नुस्खा बनाकर सिखा रहा हूं उस वीडियो के अंदर। अगर आप 10 से 15 दिन तक उसको इस्तेमाल कर लेती हैं, तो उसको इस्तेमाल करने से आपके जो अगर लटके हुए स्तन वो धीरे धीरे अपनी जगह आ जाएंगे, सुडोल हो जाएंगे और थोड़े से डेवलप हो जाएंगे। और अगर आपके स्तन छोटे हैं, आप उनको डेवलप करना चाहते हैं, तो वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। बस करना इतना सा है कि छोटा सा नुस्खा है, आप उसको नोट डाउन कर लें, उसको बनाना सीख लें वीडियो में बताए गए तरीके से। करना इतना सा है कि आपको लेने हैं रोज पेटल्स, जिसको हम गुलाब की सूखी हुई पत्तियां भी बोलते हैं, तो गुलाब की सूखी हुई पत्ती लेनी है आपको, तो तकरीबन 2 चम्मच, और साथ में लेनी है जावित्री। जावित्री आपको इजीली पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, आप अपने घर में मसालों में भी इसको इस्तेमाल करती होंगी, तो आपको थोड़ी सी जावित्री लेनी है, और इसको पकाना है आपको कैसे, आपको बनाना है इसको कोकोनट ऑयल के अंदर। तो तैयारी करनी है इसके लिए, हमें तकरीबन लेना है 50 ml वाटर, इसके अंदर दोनों चीजें हमें डाल लेनी है और 6 घंटे तक इसको भिगो के रखना है। तो आप देख सकते हैं 6 घंटे भीगने के बाद ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने पैन रख लिया, अब इसके अंदर हम डाल लें 50 ml कोकोनट ऑयल। तो ये ऑयल डाल लिया है, थोड़ा सा हम इसको वार्म करते हैं, और उसके बाद सारा मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल दिया है। हम बहुत ही लो फ्लेम पे इसको बनाएंगे, तकरीबन जब तक सारा की सारा पानी इवोपरेट हो जाए, वाष्पित हो जाए, तब तक हम इसको पकाते ही रहेंगे, और बीच में थोड़ा चलाते भी रहें जिससे ये ना लगे। तो आप देख सकते हैं ये पक रहा है, और हम इसको लास्ट तक बनाते हैं। तो ये पककर बिल्कुल तैयार हो गया है, जितनी भी ड्रग्स इसके अंदर डाली थी वो अच्छे से इसके अंदर जल गई हैं। अब हम इसको ठंडा करके स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेन कर लिया, और स्ट्रेन करने के बाद आप देख सकते हैं ऑयल किस तरह का हमारे हाथ में आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑयल हमारे हाथ में आ गया है। रात में सोने से पहले आपको मसाज करनी है, अपने दोनों हाथों पर ऑयल को लेना है, लेने के बाद अपने ब्रेस्ट को नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से ऐसे करके आपको अपने ब्रेस्ट के ऊपर उसकी मसाज देनी है, और अगर आपके ब्रेस्ट लटके हुए हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ मसाज देनी है। अगर आपके ब्रेस्ट एंड अनडेवलप्ड हैं, आपके ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहे, तो ऊपर से नीचे की तरफ भी, नीचे से ऊपर की तरफ भी, दोनों साइडों से यानी चारों साइडों से आपको अच्छे से मसाज देनी है। कम से कम 10 मिनट तक आप अपने ब्रेस्ट की मसाज करें, आप देखेंगे कि आप तकरीबन 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और कंप्लीटली आप 30 दिन के अंदर फील करेंगी कि आपके ब्रेस्ट जो है वो डेवलप भी हो गए और साथ साथ में सुडोल भी हो गए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, आप अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको लगता है कि आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज में जरूर आपके लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।